नाउ वी एंटरिंग द मेन टेम्पल एरिया। पहला फेज है, पहला फ्लोर जिस पर हम एंटर कर रहे हैं। इसके तीन लेवल्स हैं, तीन फ्लोर्स हैं अंकोर वाट टेम्पल के। I'll show you the size. इसकी मंदिर में अंदर जाने के रास्ते के दोनों साइड में ये वेल बने हुए हैं, कुएं बने हुए हैं। बेसिकली ये कुओं का काम है, जो उसके ऊपर आपको दिख रही होगी रूफ़, मेरे पीछे दिख रही है, सारे में आपको छत दिखाई दे रही है, ये देखो छत दिखाई दे रही है इसकी। ये छत जो है इन्होंने बनाई हुई है, ये बनाई हुई है इन द शेप ऑफ स्नेक स्किन, सांप की स्किन की तरह बनाई हुई है। सांप के हेड भी दिखेंगे आपको जगह हर जगह। तो जब बारिश आती है कंबोडिया में तो यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे, पानी इकट्ठा होता था कि अब भी अगर मान लो ज़्यादा बारिश पड़ती है तो इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर विल गेट इन टू दैट वेल, इस कुएँ में ही आके गिरेगा पानी, और यहाँ कुएँ में पानी इकट्ठा होगा। तो वो एक तो माना जाता है कि पानी भी अब ये हो गया, मतलब समझो जो पानी बचाने की जो मतलब जो टेक्नोलॉजीज अप्लाई होती हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी का काम भी हो गया इसी में। और साथ में एक और जो लॉजिक था कंबोडियन पीपल्स का, जो इसके पीछे मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू भी थे, और उनका जो इसके पीछे मकसद रहा था, उनकी जो मकसद बड़ा ख़तरनाक शब्द है, जो इनकी इच्छा थी ये चीज़ करने के लिए, उनका कारण ये था कि वो ये मानते हैं डेट स्नेक इज़ अ होली एनिमल, वो ये मानते हैं। इसके पीछे उनका जो बेसिकली इरादा था वो ये था कि भैया ये मानते हैं स्नेक इज़ अ होली एनिमल, और नाग की नागा कहते हैं यहाँ पे भी, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं नाग देवता, ऐसे नागा कहते हैं यहाँ भी। तो नाग जो है वो एक होली है स्पिरिट है, जो नाग है वो होली होता है इनके हिसाब से, मतलब जो अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। तो उस वजह से इसकी स्किन पे होके जब पानी आके यहाँ इकट्ठा होता है ना, तो पानी तो है ही, साथ में वो ब्लेसिंग्स का भी काम करता है, वो बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म करने का, बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स देने का, आगे बढ़ने के लिए। जैसे आदमी आशीर्वाद लेते हैं, उस आशीर्वाद के लिए उस पानी को यूज़ कर लेते हैं ये लोग। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। और जो अभी कहानी बताई थी हमारी टूर गाइड ने, वो बताई थी यहाँ पर अटैक्स हुए थे अंकोर वट पर, कई बार अटैक हो चुके हैं, कई बार ऐसी कोशिश करी गई है अंकोर वट को ख़त्म करने की टेंपल को। तो यहाँ पर जो मौजूद था उस टाइम पर, या बुद्धिस्ट टेंपल भी है, ये हिंदू टेंपल भी है, मिक्सअप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो कन्वर्ट होके हिंदू से बहुत बने हैं, बुद्धिस्ट बने हैं, तो इनकी हिस्ट्री उसी में ही है हमारे हिंदुज़म में। तो इनका कहना ये है कि 95% तो ये बुद्धिज़्म मानते हैं, 5% हिंदुइज़्म, और एक एनोइज़्म होता है, एनोइज़्म जो कि स्पिरिट्स को मानने वाला रिलीजन कहा जाता है, वो होता है, उन दोनों में मानते हैं, ये दोनों को ही मतलब वैल्यू देते हैं मिक्सअप करके। तो ऑल इन करा जाए, और हिंदुइज़्म के पीछे ही चलता है, हिंदुइज़्म को फॉलो करता हुए चलता है बौद्धिज़्म भी, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जी एन डिफरेंस नहीं है, जिस तरह का मानना हमारा है उस तरह का ही मानना उनका भी है।
तो इनके ऊपर अटैक किया गया था, तो उस टाइम पे जो हिंदू देवी देवता थे वो भी और जो बुद्धिस्ट मूर्तियाँ थी सारी मूर्तियों का ना गर्दन काट तोड़ दी गई, ऊपर से हेड हटा दिया गया उनका, बीहेडेड कर दी गई सारी मूर्तियाँ, क्योंकि मेन पार्ट वही है मूर्तियों को तोड़ेंगे हेड हटा दो खाली खत्म हो जाती है। ऐसे कई सारे अटैक हमारे इंडिया में भी हुए हैं, यू नो किन लोगों ने करे हैं, कैसे क्या हुआ है आपको पता ही है। तो वही अटैक्स कंबोडिया ने भी झेले हैं सारे। अब ये फर्स्ट स्टेप है, इसे कहा जाता है जो फ्लोर की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं ये 1.5 फ्लोर, इट्स नॉट अ सेकंड फ्लोर, इट्स नॉट अ फर्स्ट फ्लोर, इट्स 1.5 फ्लोर, क्योंकि एक फ्लोर हम अप आ चुके हैं और हाफ फ्लोर उसके ऊपर अप आ चुके हैं, इसके आगे मतलब मंदिर है आगे और बढ़ेंगे तो टोटल 3 फ्लोर्स हैं इस टेम्पल की। मेन टेम्पल है, मेन अंकोरवट टेम्पल यही है इसकी, इसके कई सारे पार्ट हैं, छोटे छोटे टेम्पल से कई सारे पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन मेन टेम्पल जो है यही है। अभी हम आगे दूसरी जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देन आपको दिखाएंगे और चीज़ें अबाउट द टेम्पल। अब भाई जा रहे हैं हम आगे ऊपर के फ्लोर पे, नेक्स्ट फ्लोर पे दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाके एक्सप्लोर करेंगे भैया वहाँ क्या मामला मिलता है। आपको दिखाई दे there, but there's one in the middle right now, this is just for the king. So the king gonna come straight from the front, from the bridge, straight and up to the top. So up on the top, what you can see from outside, we have 5 towers, which is start from the 3rd level. So one in the central one, it is 65 meter high from the ground. Before we used to put the Lord Vishnu statues, but now it replaced with the Buddha statues. One thing in Siem Reap, we not allow any building to build higher than Angkor Wat. You come to Siem Reap, you cannot find any building high. But if you go to Phnom Penh, the capital city, have a lot of high building out there. This is like to show the respectful to our monument, so not, the government not allow any building build higher than 65 meters. Especially Angkor Wat, no higher than Angkor Wat at all. Yeah. In here, you can see the stairs pretty steep. So we have